सलाम भाई आर्किटेक्ट वाले, वेट वेट एक और, नक्शे ही नक्शे, या फिर ये वाला बताइए ये कैसा है, बीवी नहीं आर्किटेक्ट नंबर वन। एक और जिंगल लाइन देख लेते हैं, घर का मेकओवर शदाब आर्किटेक्ट के साथ हो जाए एक ओवर। तो सोच के देखिए, इस टाइप के अगर जिंगल लाइंस या इस टाइप के ये बड़े बड़े कैची लाइंस जो कि फ़ौरन माइंड के प्रेजेंस बना ले और फ़ौरन इनके मीम भी बन सके या फिर फ़ौरन फ़ौरन लोगों के माइंड को रिकॉल कर जाए या लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये लाइंस, तो मेरे ब्रांड हर जगह फेमस हो जाएगा, शदाब एसोसिएट हर जगह। तो सोच के देखिए कि काश ऐसा होता कि हम हर जगह बड़े बड़े बिली बोर्ड्स लगवा सकते थे, बिल बोर्ड्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स हो गए, जैसे कि बाकी सारी कंपनी करती है, जैसे सैमसंग का, आईफोन का आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हो। तो काश ऐसा होता कि मैं भी लगाता, खूब पैसे लगाता, मैं हर शहर में आपको ऐसी ऐसी लाइंस देखने को मिल जाती, बीवी नहीं आर्किटेक्ट नंबर वन, या फिर सलाम भाई नक्शे वाले, या फिर आप लोगों को देखने को मिल जाता घर का मेक ओवर शदाब एसोसिएट्स के साथ हो जाए एक ओवर। तो इस टाइप के आप लोगों को फ़ौरन फ़ौरन बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिल जाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक लिया है कि हम ये सब चीज़ें नहीं करवा सकते, बिकॉज हम आते हैं आर्किटेक्ट रेगुलेशंस एक्ट के अंदर, 1989 में जो कि बना था उस एक्ट के अंदर हम लोग आते हैं। सोच के देखिए, हम लोग एक सर्विस देते हैं और अपने सर्विस को प्रमोट नहीं कर सकते। सोच के देखिए, यही सर्विस जोमैटो स्विगी वाले भी देते हैं, ना ही वो बनाते हैं ना ही वो बनवाते हैं, वो सिर्फ पहुँचाते हैं और एक सर्विस देते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसे कोई भी रेगुलेशंस नहीं हैं, मतलब एटलीस्ट इस टाइप के रेगुलेशंस नहीं हैं जो कि हमारे साथ है। अब आप देखिए, जोमैटो का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, जोमैटो का इसलिए क्योंकि जोमैटो ना बहुत वे मोर नेक्स्ट लेवल आगे है मार्केटिंग के अंदर, वो अपने कॉम्पिटिटर से वे मोर आगे है। अभी आप लोग एक फेमस लाइन जानते हो कि सनी देओल की मूवी का है, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो इन लोग ने भी कुछ साल पहले इसी लाइन को लेते हुए, क्योंकि इनकी मार्केटिंग अच्छी है, तो एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाया था। अगर आप लोग ने ये इमेज देखी होगी, खूब वायरल हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था खीर मांगोगे खीर देंगे। इसी को देखते हुए ब्लिंकिट वालों ने अपना एक सेम उसी लोकेशन पर जो है अपने बुलेटिन बोर्ड में जो होर्डिंग्स है वहाँ पर लगवाया था, उन्होंने लिखा था दूध मांगोगे दूध देंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए होगा तो दूध हमसे ले लो, ठीक है, बाद में खीर मंगाना और बाद में कश्मीर मांगना। तो इस टाइप के जो हैं वो बिलीवर। अब सोचिए अगर हम भी ऐसी लगवा लेते, मान लीजिए मैं सेम इसी जगह पर मेरे को इसी सेम बिली बोर्ड पर या इसी सेम होर्डिंग पे मेरे को अपना भी एक जिंगल लाइन लिखवाना है, तो मैं क्या लिखवाता, मान लीजिए मेरे फॉर्म का नाम है प्लस आर्किटेक्ट्स, तो मैं लिखवाता सपना देखोगे सच कर देंगे, आपके सपने को हमारे डिज़ाइन के साथ प्लस कर देंगे। तो इस टाइप के मैं जिंगल लाइन लिखवा देता, सो फौरन ब्रांड प्रमोशन हो जाता, कोई भी होता वो याद करता, अच्छा यही है क्या वो प्लस आर्किटेक्ट्स, अच्छा यही है क्या वो प्लस आर्किटेक्ट, अच्छा यही वाले हैं क्या, इन्होंने लिखा था सपना देखोगे सच कर देंगे, आपके सपने को हमारे डिज़ाइन के साथ प्लस कर देंगे। तो इस टाइप के मैं जिंगल लाइन लिखवा सकता था। या मान लीजिए सेम जगह पर अगर मेरे को कुछ लिखवाना है शदाब एसोसिएट्स के लिए, तो मैं तो बड़ा बड़ा लिखवाता, बंटी बाबू का सपना शदाब आर्किटेक्ट्स बनाए घर अपना, इस टाइप के जो फौरन याद हो जाए कि बंटी बाबू का सपना शदाब आर्किटेक्ट्स बनाए घर अपना। अब मान लीजिए मेरा कोई कॉम्पिटिटर होता, तो वो बगल वाले बोर्ड में क्या लिखवाता, वो लिखवाता मान लीजिए कुछ इस टाइप की लाइन लिखवाता, कोई भी एक्स वाई जेड एक आर्किटेक्ट है वो लिखवाता सपना देखोगे सच कर देंगे, हमें बुलाइए हम टू मच कर देंगे। तो इस टाइप की जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती। कई बार आप देखते हो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ में भी कई बार ऐसे फाइट्स होते रहते हैं इस टाइप के जो है, काश हम भी कर पाते, लेकिन क्योंकि वी आर प्रोफेशनल्स तो वी केम अंडर दी आर्किटेक्ट रेगुलेशन एक्ट 1989। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी रूल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट को लेके, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को लेके बात करेंगे कि हम किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है आप एक फ्रेशर आर्किटेक्ट हो तो आपको नहीं पता होगा कि आप किस किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और लकीली हो सकता है कि आप कुछ अनएथिकल या इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड हो हमारे इस रेगुलेशन एक्ट में। देखिए, आर्किटेक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है एडवर्टाइजमेंट को लेके, वो हमें ये बताता है कि ये नेसेसरी था कि जब हम अपने सर्विसेज का प्रमोशन करें ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल मैनर में करें और प्लस एक दायरे में, एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर करें। क्योंकि अगर हम इस टाइप के कैट फाइट करने लग जाएंगे, जो कि आपको मैं कुछ टाइम पहले बता रहा था कि ऐसे इस टाइप के जिंगल लाइंस लिख सकते हैं, या जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा होर्डिंग लगा के बड़े बड़े जिंगल लाइंस लिख पाएगा या कुछ ऐसे होर्डिंग्स लगा पाएगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे रहा था, तो उससे
बहुत ही ज़्यादा ये एक मछली मार्केट टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रोफेशनल्स क्योंकि अलग होते हैं, तो प्रोफेशनल्स को अपना एक दायरा जो है वो एक बाउंड्री के अंदर ही अपने आप की जो है एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, अपनी रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ वॉल्यूम को लेके, बीइंग एन आर्किटेक्ट आप लोग नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट, अननेसेसरी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके माइंड में कभी आ रहा है कि आपने एक नया फर्म अपना स्टार्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है, तो क्यों ना आपको ये गाड़ी हायर करो 5 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, है ना, और उसमें अपना बोर्ड लगवा दो और प्लस साथ ही साथ जो है स्पीकर रखवा दो, और बड़े बड़े आप अपना वो कर रहे हो, आइए 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 एक दाम में 2 नक्शे लेके जाइए, है ना। तो इस टाइप के आप नॉइस पॉल्यूशन अननेसेसरी क्रिएट नहीं कर सकते, ये आर्किटेक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग नॉइस पॉल्यूशन नहीं कर सकते। दूसरा रूल है फॉन्ट साइज को लेके। हम आर्किटेक्ट्स को एक लिमिटेशन दी गई है कि हम 10 सेंटीमीटर के अंदर ही रहें। 10 सेंटीमीटर के अंदर इसलिए ताकि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो कि मल्टीनेशनल है या उनके पास ज़्यादा पैसे हैं एडवर्टाइजमेंट पर लगाने के लिए, तो मैंने कहीं पर अपनी मार्केटिंग कर रखी है, मेरे पास लिमिटेड बजट है, तो और वहाँ पर वो कंपनी आके अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दे या हर शहर में अपना एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दे, तो हर कोई उसी को जानेगा। ऐसे ही कितने बड़े बड़े आर्किटेक्चर फर्म्स हैं जो कि अंधा पैसा लगा सकते हैं मार्केटिंग में और हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है जस्ट बिकॉज ताकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे हैं डजंट मैटर, 10 सेंटीमीटर के अंदर ही उनको अपने नाम, अपने लाइसेंस नंबर, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो लिखना है, जो भी वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं या जो भी वो अपना बोर्ड लगा रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, वो सब चीज़ें 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर फॉन्ट साइज उनका होना चाहिए। सेम गोज विद अस ऑल्सो, ताकि जनता को, पीपल को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जज करने का कि एक्चुअली में उनको जाना किसके पास है, है ना। तो ये चीज़ पता रखने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारे लिए इस एक्ट को जो है वो बनाया गया है, इस रूल को जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट रूल जो है वो है हमारे सर्विसेज या हमारे नाम को लेके, कि हम अपने नाम को प्रमोट नहीं कर सकते बिल्डिंग के ऊपर लिख के। वैसे देखा जाए तो इसमें एक एक्सेप्शनल भी है कि जब टेंडर वर्क या स्टाफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं तब आपको लिखना पड़ता है, लेकिन हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन इन जनरल आपको ये मान के चलना है कि हम अपने नाम का जो प्रमोशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो बिल्डिंग पर नहीं कर सकते। इसमें ना हमेशा 2 मत रहते हैं आर्किटेक्ट के। कुछ आर्किटेक्ट होते हैं जो इसको मानने के लिए रेडी रहते हैं, जो ओबे करते हैं, और कुछ होते हैं जो डिसओबे करते हैं, जो मानते नहीं हैं, जिनका कहना ये होता है कि मेरी बिल्डिंग, मेरा क्लाइंट, मैं उस क्लाइंट को लेके आया हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने उसको डिज़ाइन किया है, और मैं उस पर अपना नाम भी नहीं लिखवा सकता, बल्कि क्लाइंट को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो भी मैं क्या नाम नहीं लिखवा सकता? क्या मैं अपनी ही बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं कर लूँ? मतलब अपना मैं एक घर डिज़ाइन कर लूँ और उसके ऊपर अपना नाम लिख लूँ, शदाब एसोसिएट्स, और नीचे छोटा छोटा लिख दूँ आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर सर्विस हम देते हैं, क्या ये नहीं कर सकता? तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो रेगुलेशन है ना, ये जो एक्ट है, वो हमें ये कहती है कि आप किसी भी आर्किटेक्ट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते। जैसे कि जो अपोज करते हैं ना इस एक्ट का, उनका कहना ये होता है कि मेरी बिल्डिंग है, अगर मैं अपना एक नाम भी लिखवा लेता ना, क्लाइंट को भी एग्री करवा चुका था, अगर मैं नाम भी लिखवा लेता ना उस बिल्डिंग पे, तो मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता, मैं फेमस हो जाता, इतने बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बना रहा हूं मैं, है ना, तो मैं फेमस हो जाता, मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता। लेकिन आप देखोगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे ये ब्लू टिक वाला सीन था, अगर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में ब्लू टिक मिलता था, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलता था, है ना, और सेम गोज विद आपका ट्विटर पे भी ब्लू टिक मिलता था। तो ये मिलता था उनको जो कि पब्लिक फिगर थे, किसी भी रीज़न से फेमस हुए हैं या किसी मैगजीन में आए हैं, तो आप वो अप्लाई कर सकते, उनको ब्लू टिक मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया कि आप खरीद सकते हो ब्लू टिक को, खरीद सकते हो 700 रुपये 800 रुपये दे के आप खरीद सकते हो उस ब्लू टिक को और इनकी सर्विस को अवेल कर सकते हो। एक्चुअली में उन्होंने भी यही चीज़ नोटिस की कि हम किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है तो हम उसको एक रिकॉग्नाइजेशन दे दें, उसको एक ब्लू टिक दे दें। तो ये चीज़ रियलाइज करते हुए भी कंपनी ने अपने इन पॉलिसीज को पीछे लेते हुए उन्होंने ये कहा कि हम ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे एक लाइसेंस मिला है तो मैं ऑथेंटिक हूँ, ठीक है। वहीं पर जो ब्लू टिक ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, तो उनको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, अपना बिजनेस अपलोड करना पड़ेगा, तो उनको वो ब्लू टिक मिल जाएगा। आज की डेट की अगर बात करूं तो हम किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते कि हाँ इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दे तो ब्लू टिक लगा दिया, तो उससे क्या होगा, वो फेमस हो जाएंगे, वो और फेमस होते चले जाएंगे क्योंकि उनका ब्लू टिक लगा हुआ है। तो ये क्या है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं देता है।
बाकी अदर आर्किटेक्ट्स को या बाकी अदर इन्फ्लुएंसर को अगर सोशल डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वो बाकियों को भी नहीं देता। दूसरी चीज़ आप खुद सोच के देखिए कि इट्स वेरी वियर्ड कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, अपना ऑपरेशन कराऊँ, और जब मेरे को होश आए, मैं आँख खोलूँ तो मैं देखूँ जहाँ पे मेरे को ऑपरेशन हुआ है, पेट मान लीजिए मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पर उसने अपने बगल में साइन कर रखा है कि डन बाय डॉक्टर एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। तो क्योंकि डॉक्टर भी जो है वो इसी सेम टाइप के एक्ट में जो है वो लिमिटेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर ऑथेंटिक है कि नहीं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यही ही डॉक्टर है, फिर बाकी डॉक्टर को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हो सकता है दूसरा डॉक्टर भी अच्छा हो, ठीक है। तो हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकते, हम ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं। इसलिए इस रूल को बनाया गया कि आप अपने बिल्डिंग पे या किसी भी बिल्डिंग पे जो आपने आपका वर्क किया है या किसी पब्लिक बिल्डिंग पे, आप वो नाम नहीं लिखवा सकते या अपने नाम को या अपने सर्विस को प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसे ही और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें कि रूल नंबर 4th की अगर बात करें तो इसमें ये है कि आप मिसलीड नहीं कर सकते, फॉल्स और मिसलीड क्लेम्स जो हैं वो नहीं दे सकते अपने एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर। मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या कोई भी ऐसा मिसलीड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक आर्किटेक्ट किसी दूसरे आर्किटेक्ट का वर्क दिखा के कि ये काम मैंने किया है, बिना किसी उसके परमिशन के वो ये चीज़ करता है, तो वो फॉल्स है या वो मिसलीड कर रहा है कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, ठीक है। भले ही उसने उस पर सिर्फ काम किया होगा तो उसको ऐसे शो करना पड़ेगा या परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो इस तरीके से दिखा सकता कि ये बिल्डिंग इसने बनाई है, तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है ये, और वो मिसलीड के दायरे में आता है। नेक्स्ट अगर रूल की बात करें तो वो है यूजिंग ट्रेड नेम्स और लोगो डेट इज सिमिलर टू अनदर आर्किटेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ऐसा नाम या लोगो अपने प्रमोशन के टाइम पर नहीं लगाना जो कि अल्टीमेटली उन्हीं की तरह दिख रहा हो। मतलब थोड़ा सा आपने हल्का फुल्का चेंजेस कर दिया और लेकिन दिख वही रहा है, दूर से देखने के बाद एक बार नोटिस वही हो रहा है एक बार, है ना। तो उस टाइप के आप चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही आप उनके ट्रेड नेम को ले सकते हो और ना ही आप सिमिलर मिलता जुलता लोगो ले सकते हो। तो ये भी एक रूल है। बाकी अगर नेक्स्ट रूल की बात करें, जो कि इस वीडियो का लास्ट रूल होने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ वही रूल्स ले रहा हूँ जो जनरली आर्किटेक्ट्स गलती करते हैं, जो जनरली फ्रेशर आर्किटेक्ट गलती करते हैं वाइल एस्टेब्लिशिंग देयर फर्म और डूइंग एडवर्टाइजमेंट, तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही कैटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लास्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो वो है यूजिंग टेस्टिमोनियल्स और एंडोर्समेंट। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्लाइंट के टेस्टिमोनियल को एज ए एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे? वो शाहरुख खान को पैसा देंगे, सलमान खान को पैसा देंगे, किसी भी पब्लिक फिगर को पैसा देंगे, बोलेंगे मेरा घर इसने डिज़ाइन किया है ना, या फिर आप इनको वो कर सकते हो, हायर कर सकते हो, इन्होंने मेरा कुछ इस टाइप का सर्विसेज दी थी, ये बहुत अच्छी सर्विस दी है, फेमस हो जाएंगे, फिर तो वो बड़े आर्किटेक्ट अगेन बड़े ही बन के रह जाएंगे। तो इस टाइप के हम क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को कभी भी आप नहीं देखते होंगे कि उन्होंने कितने बड़े प्रोजेक्ट किए हों, उनके क्लाइंट आके उनके बिहाफ पे रिव्यू दे रहे हों या एडवर्टाइज में आपको ऐसा कुछ कभी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ आई होप सो कि आपको ये रूल्स सारे समझ में आए होंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट लिए भी है, सेम इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी सबको मिले उसके लिए भी है, और सेम हमें जज करने का मौका जो है वो क्लाइंट्स को भी मिले इसीलिए भी है। तो आई होप सो कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एंड आई नो द रियल पेन कि जब एक स्टूडेंट 5 साल की डिग्री करने के बाद निकलता है तो उसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो खुद का बिजनेस खड़ा कर पाए, उसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अकेले पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्किंग ड्राइंग बनाई नहीं आती, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई नहीं आती, प्लंबिंग ड्राइंग बनाई नहीं आती। मैंने इस कोर्स में ये बेसिक चीजें तो कवर की है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये तक बताया है कि क्यों हमें बीम की जो डेप्थ है वो इतनी ही देनी होती है, क्यों हमें बीम की साइज इतनी देनी होती है, कॉलम साइज इतनी ही देनी होती है, हमें क्यों शाफ्ट जो है वो लेफ्ट में देना चाहिए, राइट में नहीं देना चाहिए, क्यों हमें ईस्ट में देना चाहिए, वेस्ट में देना चाहिए, कैसे हमें क्लाइंट को हैंडल करना चाहिए, क्या फीस होती है, कंसल्टेंसी की फीस कितनी होती है, आर्किटेक्ट्स की कितनी कंसल्टेंसी फीस है, इंजीनियर्स की कितनी कंसल्टेंसी फीस है, हर एक चीज बताई है। अगर आपको सिर्फ 3D बनवाना है तो 3D की कितनी फीस आपको क्लाइंट से चार्ज करना चाहिए, ये सब बताया है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे आप कंप्लीट क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं विद लीगल वर्क, मतलब उनसे साइन करवा के, ताकि कल को कोई आप पर कोई बात नहीं आए और कंप्लीट बात जो है वो लिखित में हो, MOM को साथ हो, कंप्लीट प्रूफ के साथ हो, हर एक चीज मैंने आपको इस कोर्स में दी। इस कोर्स को मैं आपको दावा कर सकता हूं कि ये कोर्स इंडिया का पहला एक ऐसा कोर्स है जो कि 5 रेटेड है। ये कोर्स इंडिया का पहला ऐसा कोर्स है जो सिर्फ फ्रेशर आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, इससे पहले ना ही कोई कोर्स बनाया गया है ना ही कोई कोर्स बना है। ये पहला एक ऐसा कोर्स है जो कि कंप्लीट रियल बेस्ड प्रोजेक्ट पे है, जो कि मैंने अपने फर्म में कंप्लीट किया था, जो कि रियल बेस्ड लोकेशन पर है, रियल क्लाइंट का है और एक हाई एंड विला का है। हाई एंड विला
विला का मतलब कोई एक बेसिक रो हाउसिंग का नहीं है जो आप चलते फिरते यूं ही दो मिनट में बना लोगे। वो हाई एक एंड विला का है जो कि जिसमें क्लाइंट के हर एक पर्सनलाइजेशन का ध्यान रखा गया है, क्लाइंट के हर एक चीजों का ध्यान रखा गया है। इस कोर्स में आपको हर एक चीज इन डेप्थ देखने को मिलने वाली है, तो जाइए इस कोर्स को अभी जाके एनरोल कीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कोर्स ना 1699 का मिल रहा है आपको 50% ऑफ पे। बाकी बस जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर हम पे ये रूल्स और एक्ट होता ही नहीं तो आप किस टाइप के जिंगल लाइंस लिखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मतलब क्योंकि हम आर्किटेक्ट जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं माइंड से, है ना, तो आइए एक क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी। कमेंट बॉक्स पर लिखिए आप अपनी जिंगल लाइन, जैसे मैंने शुरू में 3-4 जिंगल लाइन बताई थी आपको, वैसे आप भी लिखिए। सो लेट्स मेक कमेंट बॉक्स मोर इंटरेस्टिंग। तो आइए लिख के बताइए कि आप किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में अपने होर्डिंग में जो है वो जिंगल लाइंस को लिखते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।